जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। पूरी एहतियात बरती जा रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। लगातार पैदल मार्च भी किया जा रहा था। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। इसके बाद पुलिस प्रशासन और जनता ने राहत की सांस ली। ...2019 के आखिरी शुक्रवार को लेकर पुलिस की पेशानी पर बल थे। मौसम जरूर कड़कड़ाती सर्दी का था, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ पसीना भाते नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने रात दिन एक कर दिया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी फोर्स के साथ लगातार सड़कों, गलियों और बाजारों में घूमते नजर आए। कोई अधिकारी ऐसा नहीं था जो ऑफिस या फिर घर पर बैठा हो। हर अधिकारी मोर्चे पर था। साल का आखिरी शुक्रवार शांतिपूर्वक बीत जाए, इसी बात को लेकर सभी चिंतित थे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर रखे गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। चौराहों पर पुलिस का पहरा था, गलियों में पुलिस का पहरा था, बाजारों में पुलिस का पहरा था। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर थी। ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी नजर रखी जा रही थी। लगातार पैदल मार्च किया जा रहा था, गलियों में घूमा जा रहा था, बाजारों में घूमा जा रहा था। मुख्य सड़कों पर भी लगातार लोगों को एहसास कराया जा रहा था कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। शुक्रवार शांतिपूर्वक बीत गया। जुमे की नमाज अदा हो गई और लोगों ने मस्जिदों से निकलकर शांति की अपील कर डाली। जिस तरीके से हमारे आगरे का पूरे प्रदेश में क्या पूरे वर्ल्ड में इसको लेके जो नाम हो रहा है और यहाँ की जनता को जो धन्यवाद मिल रहा है, उसके लिए वाकई हम बहुत खुश हैं। और हमारे यहाँ के बुजुर्ग, नौजवान और जितने भी लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं। हम तो यही अपील करना चाहते हैं साहब, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने शांति बनाए रखें और शांति के साथ अपने माहौल बनाएं और सभी सब अपने अपनी जिम्मेदारी निभाएं अपने अपने क्षेत्रों में। और हम लोगों को जो प्रशासन ने जिम्मेदारी दी गई है अपने अपने क्षेत्रों में, हम तो शांति बना के रखते हैं सब। पुलिस और प्रशासन की कोशिश थी कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जब मस्जिदों से निकलकर लोगों ने शांति की अपील की तो पुलिस ने राहत की सांस ली। देखिए, स्थिति एकदम सामान्य है और किसी भी तरह की अप्रिय सूचना नहीं आई अभी तक। और हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस सतर्क है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति से हमारी बात हो सके, जो किसी को, जो पब्लिक को लीड कर सकता है उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी हर हालात पर पैनी नजर रखे हुए थे। इंटरनेट सेवा बंद थी, मोबाइल फोन के माध्यम से हर स्थिति की जानकारी ली जा रही थी। व्यवस्था शांति व्यवस्था है, आपको दिखाई पड़ रही होगी, सब कुछ शांति व्यवस्था है। लोगों का भी अच्छा यहाँ लोगों का सहयोग है, लोग मिलनसार हैं, पुलिस का प्रशासन का उनसे इंटरेक्शन बना हुआ है। शुक्रवार शांत रहा। आगरा ने एक बार फिर शांति की मिसाल पेश की। कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं आई। हम सभी का दायित्व भी बन जाता है, हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि अपने शहर को शांत रखें, सभी आपसी भाईचारे के साथ रहें। सबकी अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो यह जीवन शांतिपूर्वक बीतेगा, अन्यथा खुरापाती तत्व और शरारती तत्व किसी भी मौके पर हालात को खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्रवार बीत गया हो और पुलिस शांत बैठ जाए। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खास नजर है, शरारती तत्वों पर खास नजर है। जुमे की नमाज के चलते प्रदेश भर के साथ आगरा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट था। शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज हो गई और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आगरा ने एक बार फिर अमन चैन की मिसाल पेश की है। आप खुद देख सकते हैं कि बाजारों में आम दिनों की तरह चहल पहल दिखाई दे रही है। पुलिस एहतियातन के तौर पर मौजूद है, लेकिन दुकानों पर भी भीड़ है, लोग खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और आगरा के लोगों ने एक शानदार मिसाल आगरा के अंदर पेश की है। आगरा के आसपास के जिलों में जरूर बवाल हुआ हो, लेकिन आगरा पूरी तरीके से शांत रहा। ये आगरा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐतिहासिक नगरी आगरा ताज के नाम से फेमस है और इसका संदेश पूरी दुनिया के अंदर जाता है। पर्यटन जगत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और यही वजह रही कि पुलिस प्रशासन आगरा का पूरी तरीके से चौकन्ना था और आगरा की जनता ने भी पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग किया और शांति व्यवस्था कायम रखी।